राधा रानी पर हिंदू धर्म के दो संत आपस में भिड़ गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद प्रेमानंद महाराज ने तू तड़ाक शुरू कर दिया और पंडित प्रदीप मिश्रा को यह कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। दरअसल संतों में विवाद की शुरुआत राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद हुई है। प्रदीप मिश्रा ने कथा की थी और इसी दौरान ये बात सामने आई। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर इसका जवाब भी दे डाला। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को भिजाकर भागवत चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था और कहा था कि राधा रानी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुन रहे लोगों से दरअसल पूछते हैं कि राधा जी कहाँ की रहने वाली थी। इस पर जवाब आता है कि वो बरसाना की थी। लोगों का जवाब सुनकर प्रदीप मिश्रा ये कहते हैं कि बरसाना नहीं, वो रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। राधा साल में एक बार कचहरी पर जाती थी और इसीलिए उनका नाम बरसाना यानी बरस में एक बार आना है। राधा रानी पर टिप्पणी के बाद संत प्रेमानंद महाराज जी तमतमा गए। उन्होंने कड़े शब्दों में पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया और इसको लेकर एक वीडियो जारी किया और कहा कि तुम किस राधा की बात करते हैं, अभी राधा को जानते ही कहाँ हो, अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होगी। प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि प्रकट हुई और सदा प्रकट हैं राधा जी। प्रदीप मिश्रा को कहते हैं कि बरसाने क्या कभी आप गए हैं, कभी देखा है? प्रेमानंद जी महाराज तल्ख लहजे में ये पूछ रहे हैं कि तुम जानते ही क्या हो। वो कह रहे हैं कि कैसे तुम्हें बताएं कि राधा जी क्या हैं, तुम कितने ग्रंथ पढ़े हुए हो, सिर्फ चापलूसी संसार वाले को रिझा सकते हो, श्री जी के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति नहीं जानते हो। गुस्से में प्रेमानंद जी महाराज ये भी कह रहे हैं कि तुम देखना किसी काम के नहीं रह पाओगे, ये श्राप नहीं बल्कि परिणाम बोल रहा हूँ, वो हमारी लाडली जी हैं। और रही बात श्री जी बरसाने की हैं या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है, अभी तो रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ है, चार श्लोक पढ़ के लिए भागवत प्रवक्ता बन गए, तुम नरक में जाओगे, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूँ। प्रेमानंद जी महाराज ने आगे कहा कि राधा जी भोली हैं लेकिन उनके सेवक काल हैं, श्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों की बातें सुनकर पुरखा तर नहीं जाएंगे, वो नरक जाएंगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा और राधा जी को लेकर दिए गए बयान पर भड़के अयोध्या के संत और नाराजगी जता रहे, माफ़ी मांगने की बात भी कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसको लेकर बयान दिया और कहा कि शास्त्रों में राधा जी के निवास का वर्णन बरसाने में ही बताया गया है। इसके अलावा जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया उससे संत और भक्त दुखी हैं, ब्रज के संतों का उन तक फोन आया है और अपने बयान के लिए प्रदीप मिश्रा को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं संत दिवाकर आचार्य का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि प्रदीप मिश्रा अच्छे कथावाचक हैं लेकिन फेमस होने के लिए वो विवादित बयान देते हैं, पहले भी महिलाओं के कपड़ों को लेकर प्रदीप मिश्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो पूरे देश में चर्चा का विषय रही थी, राधा रानी के लिए इस तरह का बयान देना पूरे सनातन समाज को आहत करने वाला है। एक अच्छे कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं और पूरे भारत में उनका अनुयायी भी हैं, लेकिन खुद ही जब प्रदीप मिश्रा इस तरीके से बयान देंगे तो क्या मैसेज जाने वाला है, उनको खुद को अपने बयान की समीक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में जो वर्णन है वो बरसाने का ही है और बरसाने के वर्णन होने के कारण से सभी लोग जानते हैं कि राधा का घर बरसाने था और बरसाने जो है यमुना के उस पार था, इसलिए आने जाने के लिए भी व्यवस्था उनकी उस नाव से होती थी। तो बरसाने होने के कारण से जहाँ पर वर्षा बराबर हुआ करती थी
और जो आनंददायक क्षेत्र है इसलिए उसको बरसाने कहते थे। और बरसाने के रहने वाली राधा जी हैं और गोकुल के रहने वाले भगवान कृष्ण हैं। कि आप एक अच्छे कथावाचक हैं और आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, अभी तो पूरे विश्व के सनातनी बंधु जानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, जब आप स्वयं इस प्रकार से बयान देंगे, आपत्तिजनक बयान देंगे, तो क्या मैसेज जाएगा देश दुनिया में? स्वयं आप बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप स्वयं विचार करिए, उसकी समीक्षा करिए, पूर्णतया गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि जग विदित है कि राधा रानी जी बरसाना से बिष्भान कुमारी हैं और उनको जो है कहीं और का बताना और एक नए तरीके से एक आप उदाहरण प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धि दिखाना होता है, या नहीं स्वीकार किया जाएगा भारत में? भारत में उनके इस बयान को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा इस पर क्या कह रहे हैं? पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस पूरे मामले पर सफाई दे दी है और कह रहे हैं कि उनका एक वीडियो का थोड़ा सा पार्ट काटकर उसे वायरल किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कहां किस तरह से विवाद खड़ा हुआ और क्या कुछ आप इसे लेकर कहना चाहते हैं। जी प्लीज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, ये तो जो कथा पूर्व में कमलापुर करी गई थी महाराष्ट्र में कुछ 14 साल के पहले, तो वहाँ कथा की कुछ क्लिपिंग किसी ने काटी होगी और उस क्लिपिंग को 4-5 जगह से डिवाइड करके उसको एक बनाकर जनमानस में दिया गया है। हमने जितनी भी चीज़ें बोली हैं वो शास्त्र प्रमाणित हैं, ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत हैं, और भी शास्त्रों में राधा रहस्य से है, गौड़िया संप्रदाय की पुस्तकों से है, कालीपीठ से निकलने वाली और कुछ ब्रज 84 कोस में जो भूमि पर मंदिर बने हैं उनसे प्रमाणित है। परंतु किसी ने उस वीडियो को छोटा काट काट कर आड़ी टेढ़ी उसका शब्द निकाल कर उसको लोगों ने अलग अलग तरह से उसको बना लिया और जनमानस में प्रेषित कर दिया। जो लोगों के हृदय में हो सकता है, ब्रजवासियों के हृदय में, या कहीं किसी ना किसी रूप में किसी को उस बात से ठेस पहुंची, और हमने इस बात के लिए क्षमा भी कहा मांगा कि अगर किसी को कुछ बात का गलत लगा हो तो क्षमा करिए। उन्होंने कहा है कि पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके आगे पंडित प्रदीप मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज बहुत बड़े संत हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो, यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा, बचपन में पैसे जुटाकर बरसाने की परिक्रमा करने के लिए जाया करते थे। साथ ही प्रदीप मिश्रा ने अपने बयान को लेकर कहा कि उन्होंने ये बात धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित बातों से ली और बरसाने के लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। बहरहाल, जो भी हो, पंडित प्रदीप मिश्रा का राधा रानी को लेकर जो बयान सामने आया वो विवादित हो चुका है और अब बवाल बनने लगा है। और ख़ास तौर पर प्रेमानंद महाराज ने जो तल्ख टिप्पणी पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर की है उसके बाद मामला कहीं से भी थमता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अन्य साधु संतों यानी कि अयोध्या से भी खबर आई कि पंडित प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर बाकी के साधु संत जो हैं वो भी नाराज़गी जता रहे हैं।